Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the scope of total income practical question we are going to solve, and in this practical question I will be clearing all your doubts related to this chapter. So what kind of important points we should remember in scope of total income, that I have already explained to you. So if you have not watched that video, first check that video. The link I will be giving in the description so that you can check the scope of total income related basic concepts. So here we are going to today discuss about the scope of total income practical questions and what are the important points which we should remember while solving the practical questions as concerned. So let's start with the video. तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बेसिक्स के साथ. सो देखो, अगर हम बात करें तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था इंपॉर्टेंट नोट्स जो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. नंबर वन, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10. तो अगर हम देखें तो इंडियन कंपनीज के जो डिविडेंड होगा वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034. पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स ब्रॉट टू इंडिया इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल. सो जो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स होंगे वो अगर आपके क्वेश्चन में पॉइंट आया तो वो किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगा. हमने डिस्कस किया था तीन पार्ट के बारे में. वन इज कॉल्ड ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. नंबर सेकेंड इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. और नंबर थर्ड इज नॉन रेसिडेंट. तो हमें अभी इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये थोड़ा सा एक रिवीजन है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एंड दैट इज थ्री पॉइंट्स वी शुड रिमेम्बर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम. नंबर वन, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034. पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स ब्रॉट टू इंडिया इज नॉट टैक्सेबल. एंड डिविडेंड फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड म्यूचुअल फंड्स इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1035. बेसिकली देर आर लॉट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 विच वी आर गोइंग टू डील विथ आफ्टर दिस चैप्टर. सो सारे डिटेल्स हम वहां पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनमें से तीन पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं. एक है हमारा, अगर आप डिविडेंड आपको मिलेगा इंडियन कंपनीज से वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब ये तीनों लोगों को वो टैक्सेबल नहीं होगा. अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. पास्ट का कुछ अनटैक्स प्रॉफिट्स है जो हमने इंडिया में लाया है, मतलब पिछले सालों का प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट्स है वो अगर हमने यहाँ पे लाया होगा तो वो नहीं चलेगा. हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-2020. दिस इज अवर प्रीवियस ईयर, जो P.Y से हम डिनोट कर सकते हैं. और हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-2021, इसको हम A.Y से डिनोट करेंगे. तो ये साल के लिए आपको याद रखना है दोनों चीजें. नंबर वन इज असेसमेंट ईयर इज 2020-21 एंड प्रीवियस ईयर इज 2019-20. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन. देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मिस्टर दैट इज डॉक्टर गणेश हैज द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31st March 2020. And we are given with a list of 6 points with the amount. आपको इस चैप्टर में इसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आएंगे. मैंने ऑलरेडी एक PDF अपलोड किया है गूगल क्लासरूम में एंड एडफ्लाई लर्न में भी. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप उसमें से सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, बट जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं वो आप कर लो. बिकॉज इसी रिलेटेड मैं और एक वीडियो डालूंगा जिसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. आज थोड़ा सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है. तो मैंने आपको, इफ यू रिमेम्बर, जब भी हमने इससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर में थियोरी पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि तीन रूल आप याद रखोगे तो आप पूरा सम सॉल्व कर सकते हो. थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. नंबर वन, इंडिया रिलेटेड इनकम रहा सभी में टैक्सेबल. नंबर सेकेंड, अगर फॉरेन इनकम रहा और कंट्रोलिंग इंडिया से है तो दो में टैक्सेबल, फर्स्ट कैटेगरी ROR, सेकेंड कैटेगरी RNOR. और अगर फॉरेन इनकम है और कंट्रोलिंग इंडिया से नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट को टैक्सेबल, दैट इज ROR. तो इसी पॉइंट्स को लेके अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. देखो क्वेश्चन आने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है नेम ऑफ द असेसी. असेसी मतलब ऐसा पर्सन जिसके बारे में हम काउंट करने वाले हैं.
एंड उसके बाद हमें लिखना है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस हमेशा इंडिविजुअल आएगा। असेसमेंट ईयर हमेशा सेम रहेगा बिकॉज वी आर सॉल्विंग फॉर 2020 2021। प्रीवियस ईयर भी हमारा सेम आएगा 2019-20। एंड देन हमें हेडिंग लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फिर मैंने ये कॉलम बना के रखे हैं, ऐसे ही आपको कॉलम बनाने हैं। एक है सीरियल नंबर, एक है पर्टिकुलर्स, एक कॉलम हमारा ROR, नेक्स्ट इज RNOR एंड द नेक्स्ट कॉलम इज NR। ROR का फुल फॉर्म रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड NR इज नॉन रेसिडेंट। तो पिछला जो पॉइंट है हमको बार बार वहां देखना नहीं पड़े, इसलिए मैंने पूरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है। जब आप लिखोगे तो पूरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अमाउंट नहीं लिखना है, अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, बट जस्ट मेरे रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम US बेस्ड फर्म। देखो सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर कोई भी चीज इंडिया में रिसीव होगी, इंडिया में एक्री होगी, इंडिया में डीम टू बी एक्री और अराइज इन इंडिया होगी, तो वो सभी कॉलम में टैक्सेबल आएगा। तो सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम US बेस्ड फर्म 20,000। सो आपको क्या करना है, ये 20,000 को तीनों के कॉलम में लिखना है, बस इतना ही आपको करना है। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना है, जस्ट दिस मच यू हैव टू राइट एंड यू विल गेट मार्क्स फॉर पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल फीज अर्नड इन इंडिया। सो अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोफेशनल फीज अर्नड इन इंडिया, तो ध्यान से देखना, रिसीव्ड इन जर्मनी लेकिन अर्नड किधर हुआ, इंडिया में। बाकी आप रिसीव्ड कहीं पे भी करो, मतलब एक्रू कहाँ पे हुआ इनकम, एक्रू मतलब कहाँ पे अराइज हुआ है, तो इंडिया में अराइज हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिया से रिलेटेड कुछ भी होगा तो सभी में आएगा। तो अगेन आई एम राइटिंग द अमाउंट, 25,000 का प्रोफेशनल फीस है, तो 25,000, 25,000 एंड 25,000। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, पेमेंट रिसीव्ड इन लंडन। अब ध्यान से पढ़ना, पेमेंट रिसीव्ड इन लंडन फॉर सर्विसेस रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब होता है सर्विस दिया हमने। सो पेमेंट रिसीव्ड इन लंडन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन USA। देखो लंडन भी फॉरेन कंट्री है, USA भी फॉरेन कंट्री है, इस पूरे सेंटेंस में इंडिया का कहीं पे भी नाम नहीं है। तो अगर इंडिया का कहीं पे भी नाम नहीं है तो ये इनकम को हम क्या बोलेंगे, दिस इज फॉरेन इनकम। सो फॉरेन इनकम है जिसका इंडिया से कुछ भी लेना देना नहीं होगा, तो सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी में लिखना है 30,000, यहाँ पे डैश, यहाँ पे भी डैश, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का इनकम है सब में लिखना है, फॉरेन इनकम है कंट्रोलिंग इंडिया से होगा तो दो में आएगा, और अगर कंट्रोलिंग इंडिया से नहीं है, सब कुछ फॉरेन का है, तो एक में ही हमें लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम कंपनी लोकेटेड इन फ्रांस। सो रिसीव्ड कहाँ पे है, इंडिया में, बाकी कंपनी कहीं पे भी लोकेट करे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सो इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया अमाउंट है हमारा 50,000, यहाँ पे भी 50,000, सिमिलरली NR में भी 50,000। सो दिस इज ऑल्सो द पॉइंट विच रिलेट्स, सो तीनों में आएगा 50-50-50। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। नेक्स्ट दो पॉइंट्स है हमारे, सैलरी रिसीव्ड इन मस्कट फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। मैंने ट्राई किया कि सारे पॉइंट्स में ले लूं, तो देखो सैलरी रिसीव्ड इन मस्कट, मस्कट इज अ फॉरेन कंट्री, फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर फॉरेन इनकम होगा और अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड होता होगा तो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में हमें लिखना है, मतलब यहां पे आएगा 1 लाख, RNOR में भी आएगा 1 लाख एंड NR में डैश। ठीक है, काफी इजी है। इंडिया रिलेटेड इनकम रहा तो सभी में लिखना है, फॉरेन इनकम रहा और कंट्रोलिंग इंडिया से है तो दो में लिखना है, और फॉरेन इनकम रहा और कंट्रोलिंग इंडिया के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, वो भी पॉइंट हमने अभी ले लिया है लंडन का, तो सिर्फ एक में लिखना है। और तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो किसी भी कॉलम में नहीं आते हैं, जो मैंने ऑलरेडी नोट में आपको दिए हैं, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स ₹40,000। सो अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स, देखो अगर ध्यान से देखो तो मैं आपको बताता हूं, हमने इंपॉर्टेंट नोट में देखा था पॉइंट नंबर सेकेंड, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स ब्रॉट टू इंडिया इज नॉट टैक्सेबल। तो वही पॉइंट अभी हमें यहाँ पे दिया है, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स 40,000 अमाउंट है, बट वी विल नॉट राइट इन एनी कॉलम डैश डैश डैश।
फिर आपको क्या करना है, तीनों कॉलम को ऐड करना है। तो तीनों कॉलम को अगर आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी आंसर मिलेगा दैट इज टोटली कैलकुलेटिव, यू कैन इजीली कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर। सो ये जो भी आपको तीनों कॉलम का टोटल मिलेगा उसको हमें नाम क्या देना है, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। इसको एक शॉर्ट फॉर्म है वो भी आपको याद रखना है, जीटीआई। जीटीआई इज ग्रॉस टोटल इनकम। सो दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इससे आप वो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आप देख सकते हो जो मैंने आपको फॉरवर्ड किए हैं। जो असाइनमेंट्स का पीडीएफ आई हैव सेंड ऑन द गूगल क्लासरूम, तो आपको एक मेल मिला होगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एडफ्लाई लर्न में भी मैंने उसको अपलोड कर दिया है। सो वो ध्यान से देखे, उसमें से जितने क्वेश्चन आपसे हो सके वो आप सॉल्व करें। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको सॉल्व करने में तो मुझे मैसेज करें या मुझे ईमेल कर सकते हो आप, तो मैंने ईमेल का एड्रेस भी दे दिया है आपको। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, देर आर सम पॉइंट्स विच वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट। तो इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल भी है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तो आज का सेशन था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, जिसमें आप हमने 6 पॉइंट्स देखे। अभी क्या होगा, हर क्वेश्चन में आपके सिर्फ अमाउंट चेंज होंगे, कंट्री के नाम चेंज होंगे, थोड़ा पॉइंट में चेंजेस आएगा और उस बेस पे आपको सॉल्व करना है, लेकिन फॉर्मेट ऐसा ही होगा। फॉर्मेट कैसा है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ROR, RNOR एंड NR, एंड अकॉर्डिंगली विल बी कैलकुलेटिंग। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। नंबर वन, अगर इंडिया से रिलेटेड इनकम है तो सब में लिखना है, अगर फॉरेन इनकम है और कंट्रोलिंग इंडिया से है तो दो में लिखना है, और अगर फॉरेन इनकम है और कंट्रोलिंग इंडिया से नहीं है तो सिर्फ एक में लिखना है। ये आपको याद रखना है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। और 3 पॉइंट ऐसे हैं जो किसी भी कॉलम में हमें नहीं लिखने। एक होता है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, दूसरा है हमारा पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट्स, तीसरा हमारा है डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड, और एक पॉइंट आएगा एग्रीकल्चर इनकम। तो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा एग्रीकल्चर इनकम का थोड़ा रोल है, अभी यहाँ पे हम मैंने नहीं लिखा है, बट एग्रीकल्चर इनकम जब भी पॉइंट आएगा तब आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू विद दैट। ओके, सो दैट्स इट, दिस वाज द सेशन। कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो एक बार लाइक कर लेना या फिर कमेंट कर लेना, दो में से एक चीज आपको करनी ही है। हमेशा याद रखना कि एक तो लाइक करे वीडियो को या तो एक तो कमेंट करे, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि यू हैव रियली लाइक इट और यू हैव सम काइंड ऑफ क्वेरीज। तो पुट इन द कमेंट सेक्शन डायरेक्टली और लाइक कर ले। अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर ले, और अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियो, सिंपल इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे लाते रहता हूँ। टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।